हाय, दिस इज प्रोफेसर कार्तिक त्रिवेदी और वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो हम जो ये पिछले वाला देख रहे थे वो पार्ट वन था कि जिसमें हमने ये पूरा जो वेलोसिटी ट्रायंगल है उसको हमने समझा। पार्ट टू के अंदर हम क्या करेंगे, इस वेलोसिटी ट्रायंगल की मदद से हम इसका पूरा एफिशिएंसी का इक्वेशन निकालेंगे, पावर का इक्वेशन निकालेंगे मूविंग कर्व वैन के लिए। तो फिर से एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या किया था हमने, तो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करते थे, तो सबसे पहले आपको कौन सा वेक्टर ड्रॉ करना है, आपको सबसे पहले v1 वेक्टर ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर यहां पे कौन सा आएगा डायरेक्शन ऑफ मोशन पे, ये आपका आएगा u1, ठीक है। तो ये आपका v1 बनता था, ये आपका बनता था u1। फिर यहां पे जो वेक्टर आपका ड्रॉ करते थे हम इस तरीके से, तो इसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते थे। तो ये कैसे बनता था आपका, ये बनता था आपका vr1, ठीक है। तो ये v1 था आपका, u1 था और ये क्या था, vr1। तो मैंने आपको समझाया कैसे ड्रॉ करे, तो ये आपका v1 है वो u1 और vr1 का रिजल्टेंट होना चाहिए तभी आप सही हो। फिर हम क्या करते थे, यहां से एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते, तो इसको वर्टिकल लाइन ऐसे ड्रॉ करो, ठीक है, और यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन। सो ये जो आपका इतना था वो u1 था, ठीक है। फिर एक हम ये भी समझते थे कि v1 है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ ये जो एंगल बनेगा उसको हम बोलते थे α1। vr1 डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ जो एंगल बनाएगा वो क्या होगा, β1। सो ये α1 था, ये β1 था। दूसरी चीज हम क्या करते थे, तो ये v1 को हमने दो पार्ट में रिजोल्व करते थे, तो ये पूरा u1 आता था इतना, और दूसरा चीज कितना आएगा, तो दूसरा हमें पता था v1 का जो ये हॉरिजॉन्टल वाला पार्ट होगा रिजोल्व करेंगे तो ये vw1 इस तरीके से आता था, ठीक है। और ये जो वर्टिकल पार्ट आता था इसका इस तरीके से, ये v1 का हॉरिजॉन्टल वर्टिकल पार्ट को हम क्या बोलते थे, vf1, जिसको हम बोलते थे फ्लो वेलोसिटी, ठीक है। तो vf1 कुछ इस तरीके से आता था, तो हमारा इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल था वो इस तरीके से आता था। उसी तरीके से आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हम कैसे ड्रॉ करते, तो आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हम ड्रॉ करते, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता था, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करते थे वो था vr2। फिर यहां पे क्या ड्रॉ करेंगे हम, यहां पे ड्रॉ करते थे हम u2, vr2 u2। अब इस दोनों का जो कंप्लीट करेगा वो क्या होता था, वो होता था v2। सो vr2 u2, इस दोनों का मिलेगा v2। फिर यहां से अभी v2 को दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो वर्टिकल, तो इस तरीके से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते थे, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ये आएगी इस तरीके से। तो इतना आपका जो बनेगा वो क्या होगा vw2, और इतना आपका क्या है u2, और ये जो वर्टिकल बनेगा वो क्या होगा आपका vf2। तो ये कुछ इस तरीके से है, ठीक है। फिर हम इस तरीके से देते कि vr2 ये जो एंगल बना रहा था वो क्या था डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ b2, और v2 यहां पे जो एंगल बना रहा था डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ वो क्या था α2। तो ये आपका जो था वो इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल था, ये आपका था आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। अब इसकी मदद से हमें एफिशिएंसी डिराइव करनी है, तो सबसे पहले हम यहां पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि हमारी जो डायरेक्शन है, हमारा जो प्लेगाउड मैन मूव कर रही है वो हमें एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है वो चाहिए। तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन, इंपल्स मोमेंट प्रिंसिपल लगाएंगे, तो क्या होगा मास फ्लो रेट इनटू क्या लगेंगे, वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन माइनस वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन। तो मास फ्लो रेट क्या आएगा, तो देखो मैंने आपको पहले बोल दिया मास फ्लो रेट यहां पे रो ए भी नहीं लिख सकते, क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि यहां पे जो प्लेट है वो यू वेलोसिटी से जा रही है और जेट स्ट्राइक कर रहा है v1, तो इन दोनों वेलोसिटी के साथ जा रहा है, तो यहां पे जो मास फ्लो रेट आएगा वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला आएगा। तो यहां पे लिख सकते हैं रो ए vr1, क्योंकि vr1 से वो अंदर स्ट्राइक कर रहा है, तो रो ए vr1 इनटू वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन। अब ये कौन सा कंपोनेंट हमें लेना है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी वाला लेंगे, क्यों, क्योंकि दोनों चीज मूव में है, जेट v1 से आ रहा है और प्लेट u से मूव कर रही है, सो हमें जो भी वेलोसिटी के कंपोनेंट लेने होंगे वो रिलेटिव के लेने पड़ेंगे। सो रिलेटिव वेलोसिटी का हमें एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए बिफोर स्ट्राइकिंग, सो रिलेटिव वेलोसिटी ये vr1 है, ठीक है, और इसका हॉरिजॉन्टल में डायरेक्शन चाहिए हमें, तो ये vr1 है आपका, यही सेम चीज मैंने यहां पर ड्रॉ करी हुई है, सो ये vr1 है आपका, उसका एक्स डायरेक्शन में, तो ये होगा, तो ये vr1 है, ठीक है। तो ये कितना बनेगा, इतना ये हो जाएगा vr1 cos β1, तो ये इतना चीज बनेगा vr1 का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो बिफोर स्ट्राइकिंग vr1 का क्या कंपोनेंट होगा, vr1 cos β1, सो वेलोसिटी ऑफ जेट बिफोर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन, सो वो vr1 cos β1। अब माइनस v2x क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ जेट आफ्टर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन, सो आफ्टर स्ट्राइकिंग इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, तो ये आफ्टर स्ट्राइकिंग यानी vr2 का आउटलेट वाला ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। सो ये vr2 है, इतना देखो आप यहां पे देख सकते हैं vr2 है, और ये एंगल कितना है बीटा 2, तो ये पूरा का पूरा क्या बनेगा, ये पूरा का पूरा बनेगा vr2 cos β2, ये vr2 है और ये एंगल बीटा 2 है, तो पूरा का पूरा ये क्या बनेगा vr2 cos β2, ठीक है, समझ में आ गया। लेकिन देखो vr2 इस तरीके से है बच्चों, vr2 इज लाइक दिस, और ये बीटा 2 एंगल बना हुआ है यहां पे, सो आपका ये जो बनेगा कौन सी डायरेक्शन में आएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में vr2 cos β2 बनेगा, क्योंकि vr2 की डायरेक्शन इस तरीके से, तो vr2 cos β2 कौन सी डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में,
तो ये नेगेटिव एक्स में है, तो हम क्या लिखेंगे, माइनस ऑफ माइनस वी आर टू कोस बीटा टू, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, इसलिए मैंने यहां पे प्लस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, रो वी आर वन एज इट इज, अब वी आर वन कोस बीटा वन कितना है, तो वी आर वन कोस बीटा वन तो आपका इतना है लाइक दिस, ये तो ये कितना होगा, इसको सोल्व करेंगे तो ये पूरा कितना है VW1 और ये कितना है U1, सो VW1 माइनस U1, तो यहां पे VR1 cos beta 1 की जगह पे लिख सकता हूं VW1 माइनस U1। अब दूसरा क्या है, प्लस VR2 cos beta 2, तो VR2 cos beta 2 आपका इधर है तो ये पूरा है, तो इतना कितना है, इतना है VW2 और इतना है U2, तो इस दोनों का एडिशन होगा तो क्या होगा VW2 plus U2 is equal to क्या हम लिखेंगे VR2 cos beta 2, तो यहां पे लिख दिया VW2 plus U2। अब ये क्या होगा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये आपका U1 इक्वल टू U2 इक्वल टू क्या है U, तो पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको पल्सर वाला एग्जांपल दिखाया था, क्योंकि दोनों है तो प्लेट के ऊपर ही ना, वन पॉइंट और टू पॉइंट, तो जो प्लेट की वेलोसिटी होगी वही उन दोनों की होगी, सो U1 इक्वल टू U2 तो हमारा क्या है U है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया U1 U2, सो बचा क्या रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस वी डब्ल्यू टू। तो ये कब आया, तो अब ध्यान से देखिए बच्चों कि यहां पे जो आपका अल्फा टू बन रहा था आउटलेट पे, ये अल्फा टू आपका इस तरीके से है, ये आपका V2 है और इस तरीके से था, तो ये आपका एंगल हमने क्या लिया था अल्फा 2, तो आप ध्यान से देखिए ये जो अल्फा 2 एंगल है वो क्या लेस देन 90 डिग्री है, सो जब आपका एंगल अल्फा 2 लेस देन 90 डिग्री होगा तो आपको यहां पे जो साइन लेनी हो क्या आएगी एडिशन वाली आएगी, तो ये हमने जो डिराइव किया वो होगा, बट लेट अस अज्यूम इफ अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री देन क्या होगा, अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री, तो यार ध्यान से देखिए बच्चों कि V2 है तो VW2 हम किसको बोलते हैं, तो VW2 इसको तो बोलते हैं हम, इस तरीके से V2 को रिजोल्व करते हैं लाइक दिस, इसका इस तरीके से आप ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। और ये V2 है, ये सामने वाले एंगल को हम क्या बोलते हैं VF2, और ये क्या है VW2 है, सो V2 को हम दो पार्ट में रिजोल्व करते हैं VF2 और VW2। अब VW2 है हमारा क्या, सो VW कैन आई राइट लाइक दिस V2 का अल्फा 2 का पास वाला एंगल, सो ये क्या हो जाएगा V2 cos अल्फा 2, ठीक है, सो VW2 इक्वल टू क्या बनेगा VW2, इसको तो बोलते हैं वो क्या है V2 को अल्फा 2 का पास वाला, V2 cos अल्फा 2 है, तो अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री ले लो, तो अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री में यहां पे डाल दूं तो cos 90 क्या होता है जीरो, तो VW2 क्या हो जाता है जीरो, सो जब अल्फा 2 इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो VW2 क्या हो जाएगा जीरो, तो सिर्फ क्या बचेगा, तो सिर्फ बचेगा रो ए वी आर वन इंटू VW1 जो कि मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेट अस टेक, अब तीसरा आपको कुछ ऐसा आ सकता है, मान लो कि आपका अल्फा 2 आ रहा है ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है, तो हमें पता है कि VW2 क्या है, तो VW2 यहां पे मैंने फिर से समझाया V2 cos अल्फा 2 है, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूं अल्फा 2 ग्रेटर देन 90 डिग्री, तो यहां पे क्या लिख सकता हूं अल्फा 2 प्लस 90 लिख सकता हूं, ठीक है, तो cos 90 प्लस थीटा क्या होता है माइनस, माइनस साइन थीटा, तो ये पूरी साइन क्या हो जाएगी माइनस, तो उस वक्त VW2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, VW2 की वैल्यू उस वक्त हो जाती है आपकी नेगेटिव, ठीक है। तो जब अल्फा 2 ग्रेटर देन 90 होगा तो VW2 की वैल्यू नेगेटिव, तो यहां पे लिख सकते हैं हम रो ए वी आर वन VW1 और ये क्या हो जाएगा माइनस VW2, ठीक है। तो आपको इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको एंगल पे नहीं जाना है, सीधे तरीके से मैं आपको समझाता हूं। मान लो कि VW1 की VW1 जब इस तरीके से होगा इस डायरेक्शन में VW1 और VW2 उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तब दोनों के बीच में क्या होगा एडिशन, क्यों, तो यहां पे देख लीजिए हमारा VW1 कहां पे, सो VW1 यहां पे और VW2 कहां पे, तो देखो इस तरीके से, तो VW2 यहां हमारा इस तरीके से, यहां पे VW2 है इस ऑपोजिट में और यहां पे VW1 क्या इस तरीके से, VW1 इज लाइक दिस और यहां पे VW2 ऑपोजिट में है, तो दोनों जब ऑपोजिट में हो गए तो हमें कौन सा आ रहा था एडिशन, तो इस तरीके याद रखिए जब VW1 और VW2 ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गए तो एडिशन होगा, या आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, लेकिन एग्जांपल पे आपको इस तरीके से फायदा होगा, दोनों ऑपोजिट में है तो एडिशन, ठीक है। उसी तरीके से दोनों एक ही लाइन में हो गए यानी इस तरीके से बनेगा कुछ, VW1 भी एक लाइन में है और VW2 भी एक लाइन में है, तो दोनों के बीच में क्या आ जाएगा नेगेटिव, ठीक है, तो तब नेगेटिव लेना है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इस तरीके से आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, तो मुझे जनरलाइज फॉर्म में लिखना है तो फोर्स इन एक्स डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू रो ए वी आर वन ब्रैकेट वी डब्ल्यू वन प्लस और माइनस वी डब्ल्यू टू, तो मैंने सारे केस कवर कर लिए। अब ठीक है, अब मुझे इसकी फाइंड करनी है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी क्या होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, तो आउटपुट हमें क्या मिलता है, तो स्ट्राइक कर रहा है जेट स्ट्राइक कर रहा है मूविंग काउट प्लेट के ऊपर, सो इससे काउट प्लेट है वो आपकी आगे डायरेक्शन में मोशन कर रही है, सो आपका फोर्स किसके आपका फोर्स किसके ऊपर लग रहा है, तो काउट वेन्स के ऊपर, तो आपका जेट है वो किसके ऊपर काम कर रहा है कर्व के ऊपर काम कर रहा है, तो हमें आउटपुट कहां पे मिल रहा है, हमें आउटपुट मिल रहा है ब्लेड के मोशन के थ्रू, ठीक है, उससे आपका ब्लेड का मोशन हो रहा है, सो हमारा आउटपुट है वर्क डन अपॉन टाइम, किसके ऊपर काम हो रहा है, काम हो रहा है प्लेट के ऊपर, सो वर्क डन अपॉन टाइम मैंने आपको समझा था, वर्क डन क्या होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, पर हमें क्या चाहिए अपॉन टाइम, सो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या हो जाता है वेलोसिटी किसकी,
तो हमें कर्व्ड वैन की वेलोसिटी चाहिए क्योंकि हम कर्व्ड वैन के ऊपर काम कर रहे हैं। तो फोर्स तो हमारे पास है ही, रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू, और उसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फोर्स कर्व्ड वेलोसिटी से। तो कर्व्ड प्लेट की वेलोसिटी क्या है, यू। सो इस तरीके से हो जाएगा, तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। तो फोर्स हमारे पास था रो ए वी आर वन वी डब्ल्यू वन प्लस माइनस वी डब्ल्यू टू इंटू वेलोसिटी, किसकी लेनी है, जिसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो कर्व्ड वैन के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसकी वेलोसिटी क्या है, यू। तो मल्टीप्लाई बाय यू, तो हमें आउटपुट मिल गया। तो वर्क डन अपॉन टाइम क्या होता है, वो पावर होता है। सो वर्क डन अपॉन टाइम इज नथिंग बट दी पावर। तो आउटपुट में पावर मिल रहा है, तो मैंने यहां पे आउटपुट लिख दिया अपॉन इनपुट। तो इनपुट क्या है, तो इनपुट आपका ये जो जेट वो स्ट्राइक कर रहा है, तो जेट काइनेटिक एनर्जी से स्ट्राइक कर रहा है। सो इनपुट आपका क्या होगा, जेट की काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। क्यों, क्योंकि यहां पे आउटपुट में वर्क डन अपॉन टाइम ले रहा हूं, तो इनपुट में मुझे काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम लेना होगा। अब काइनेटिक एनर्जी मुझे पता है वन हाफ एम वी स्क्वायर, और उसको टाइम से डिवाइड करूंगा, तो मास अपॉन टाइम क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट। तो ये हो जाएगा वन बाय टू इंटू मास फ्लो रेट इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब आपका जो जेट आ रहा है वो कौन सी वेलोसिटी से आ रहा है, वी वन से। तो आपका इनपुट होना जो हो जाएगा वन बाय टू मास फ्लो रेट इंटू वी वन स्क्वायर। तो यहां पे मुझे लिखना होगा वन बाय टू मास फ्लो रेट इंटू वी वन स्क्वायर। अब काफी सारे लोगों को होगा कि सर यहां पे आपने रिलेटिव क्यों लिया, वी वन क्यों लिया, क्योंकि जब मैं इनपुट लेता हूं तो इनपुट में ओरिजिनल एनर्जी में फॉर्म लेता हूं। तो ओरिजिनल एनर्जी कौन सी, इनपुट यानी जब स्टार्टिंग से आप स्टार्ट कर रहे थे, तो नोजल में आपकी जो ओरिजिनल वेलोसिटी वो क्या थी, वी वन थी। तो जब भी आप इनपुट लेगोगे, जब भी कोई भी आपका इसी इंपैक्ट ऑफ जेट में होगा, तो जब इनपुट आएगा तो नोजल की ऑलवेज ओरिजिनल वेलोसिटी आएगी, ठीक है, और मास फ्लो रेट भी ओरिजिनल आएगा। तो जब आप इनपुट लेते हो तो आप ओरिजिनल चीज लेते हो, तो इनपुट क्या होगा, 1 by 2 mass flow rate V1 square. तो 1 by 2 mass flow rate क्या होगा, rho a V1, क्योंकि V1 velocity से आ रहा है jet, so rho a V1 into V1 square. अब ये क्या होगा, देखो rho a cancel हो जाएगा, 1 by 2 है तो ऊपर चला गया, तो ये 2 VR1 हो जाएगा, बाकी की सारी चीज as it is रहेगी, और V1 into V1 square का क्या हो जाएगा, V1 cube. तो इस तरीके से हम इसकी efficiency मिलेगी। अब आपको कोई बोलता है इसका angle of deflection find कीजिए, तो आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो हमें पता है इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, लाइक दिस सेंटर लाइन ड्रॉ कीजिए। अब ये देखिए VR1 यहां पे इस तरीके से, इसको VR1 को मैं एक्सटेंड करूं, तो ये VR1 का एंगल क्या होगा, तो ये बीटा 1 है, तो ये पूरा इस तरीके से बनेगा Z, तो ये भी क्या होगा बीटा 1। उसी तरीके से VR2 से लेना है, क्योंकि ओरिजिनली VR1 से, तो जब भी हम टेनजेंट लेंगे तो VR1 से लेना है, क्योंकि जिस डायरेक्शन से जिस वेलोसिटी से मूव हो रहा है उसका टेनजेंट लेना है, तो ये VR1 का मैंने टेनजेंट लिया। तो ये एंगल क्यू बीटा वन लिखा, क्योंकि देखो ये जेड बन रहा है लाइक दिस, सो ये एंगल बीटा वन है, तो ये भी बीटा वन हो जाएगा। इससे यहां से भी हमें टेनजेंट किसका लेना है, वी आर टू का, सो लाइक दिस। तो ये एंगल कितना होगा बीटा टू लाइक दिस, सो ये एंगल बीटा वन है और एंगल कितना है बीटा, तो इसको अच्छी तरीके से यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो आके आपको समझ में आ जाए। सो मैं इसको यहां पर ड्रॉ करता हूं लाइक दिस, सो इस तरीके से ले लो, सेंटर लाइन ड्रॉ करो, ये जो एंगल है वो कौन बना रहा है, VR1 बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है बीटा 1, और यहां से जो बाहर निकलेगा वो कौन बना रहा है एंगल VR2, इसका एंगल कितना है बीटा 2। कैसे आया, तो मैंने आपको बताया कि इसका मैं टेनजेंट इस तरीके से बनाऊंगा, तो ये एंगल बीटा 1 है, तो ये भी पूरा Z बनेगा लाइक दिस, तो ये बीटा 1 होगा, तो ये भी क्या होगा बीटा 1। उसी तरीके से VR2 को मैं इस तरीके से एक्सटेंड करूंगा, तो ये आपका एंगल कितना है बीटा 2, तो ये भी पूरा Z बनेगा लाइक दिस, तो ये पूरा Z बनेगा, तो ये बीटा 2 का, तो ये भी क्या होगा बीटा 2, दैट्स व्हाई ये भी क्या होगा बीटा 2। तो ये हमने किसके टेनजेंट लिए, VR1 और VR2 के, ठीक है। तो जब भी आपको एग्जांपल में बोला जाए, तो जब भी टेनजेंट एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आप लोगे, तो वो VR1 और VR2 के विद रिस्पेक्ट में ही होगा। तो इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन ढूंढना है, तो कैसे ढूंढ सकते हो, मैंने आपको बोला क्या करना है हमें, जब भी ये दोनों अनसिमेट्रिक हो तो हमें क्या करना है, इसी लाइन को हमें पैरेलल कंसीडर करना है, तो इसी लाइन को मैं पैरेलल इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस, कुछ भी चेंज किए बिना। तो ये बीटा वन है, तो ये भी क्या हो जाएगा बीटा वन, क्यों, क्योंकि हमें इस दोनों को एक ही लाइन में मीट करवाना है, ताकि हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन फाइंड कर सके। अब इस लाइन को आगे इस तरीके से एक्सटेंड कर दो, तो ये पूरा कितना होता है, पूरा होता है 180, सो 180 माइनस, इसमें ये दोनों एडिशन कर दो, बीटा वन प्लस बीटा टू, तो ये आपका हो जाएगा एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन 180 माइनस बीटा वन प्लस बीटा टू, क्यों, क्योंकि आपका इस तरीके से आया एंड देन इस तरीके से गया, तो मुझे एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन आपको यहां पे खड़े होकर देखना है, सो इसी लाइन को आगे एक्सटेंड करना है, तो ये पूरा 180 होगा, तो ये बीटा वन है और ये बीटा टू, तो 180 माइनस ऑफ दिस, सो ये आपका मिल जाएगा 180 माइनस बीटा वन प्लस बीटा टू। तो आई होप आपको लेक्चर समझ में आएगा, अगर लेक्चर समझ में आया इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बाय बाय।